इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सापरा ने टिकट बंटवारे को लेकर के कहा कि सर्वे के बाद ही प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे हुआ था वो विनेबिलिटी पे, यानी जो जीतेंगे उसी को टिकट देना है, उसके आधार पर ही वो सर्वे हुआ था। और अगर हमने हमारे जो उम्मीदवार जो पहले विधायक रहे हैं उनको फिर से घोषित किया है तो हमको पता है, उस सर्वे में भी आया है। और हमारा स्थानीय नेतृत्व आदरणीय कमलनाथ जी हो, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो और हमारे आदरणीय और भी जितना भी सीनियर नेतृत्व यहाँ पर है, वो सभी को गली गली का पता है, मोहल्ले का पता है कि किस मोहल्ले में क्या हो रहा है और किस मोहल्ले में कौन कामयाब है और कौन यहाँ पर जीत करके आ सकता है। कांग्रेस को जनता भरपूर आशीर्वाद देगी, बीजेपी से हताश निराश जनता नई उम्मीद की किरण और नया सवेरा देखना चाहती है। आ रहे हैं हम वचन निभाने। और अंत में यही कहना चाहूंगा, बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ, हम मध्य प्रदेश जीत करके रहेंगे।